जय हिंद। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र देश बना, जिसका जश्न हर भारतवासी पिछले 72 सालों से मनाता आ रहा है। और आज 73वां गणतंत्र दिवस है। इस दिन को ब्रह्मकुमारी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति में तिरंगा फहराकर सेलिब्रेट किया गया। जय हिंद। जय हिंद। आज हम सब भारतवासियों के लिए बहुत ही गौरव का दिन है। देश ने 73 साल में बहुत बहुत उन्नति की है और बहुत आगे बढ़ा है, और मैं चाहती हूँ इसी प्रकार से निर्विघ्न हमारा भारत देश सदा चलता रहे। आजादी के बिगर जीवन का कोई गर्व नहीं है। गुलामी की स्थिति में भल सारे वैभव हमें प्राप्त हों, लेकिन जो आजादी है वो एक बहुत ही जीवन की ऊंची प्राप्ति है। स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और संघर्ष से सन 1950 को भारतीय संविधान तो लागू हो गया, लेकिन ईश्वरीय संविधान अभी लागू होना बाकी है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान इसी ईश्वरीय संविधान की इबारत लिखने की ओर दिनों दिन अपने कदम बढ़ाता जा रहा है। आध्यात्मिकता ये कहती है कि जब तक किसी व्यक्ति के अंदर जो मनोबल है उसकी कमी रहेगी, तो हम अच्छी अच्छी बातें भी लिख दें, कानून बना दें, लेकिन उसको वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है। अब वो दिन दूर नहीं जब भारत पर फिर से शांति, प्रेम और पवित्रता का अखंड राज्य होगा, क्योंकि सोने की चिड़िया कहे जाने वाले ऐसे भारत की संकल्पना आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कर रहे हैं। हमें एक ऐसा भारत बनाना है जिसकी जड़ें प्राचीन परंपराओं और विरासत से जुड़ी होगी और जिसका विस्तार आधुनिकता के आकाश में अनंत तक होगा। इसी सुनहरे सपने को हकीकत में तब्दील करने के लिए उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्थान का आह्वान किया है, क्योंकि जिस भारत की कल्पना मोदी जी कर रहे हैं उसकी झलक उन्हें ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मूल सिद्धांतों और प्रयासों में नजर आ रही है। इसीलिए ही अब भारत सरकार और ईश्वरीय परिवार का सपना एक हो गया है। आज के वातावरण में अगर फिर से वो श्रेष्ठाचार, वो सत्य, अहिंसा, त्याग अगर हम अपने जीवन में लाएं, तो हम अपने भारत देश का वर्तमान भी श्रेष्ठ बना सकते हैं और भावी भी उज्जवल बना सकते हैं।